है उसके आखिरी तक सारा प्रिंट हो जाए, मतलब 24 तक, ठीक है। तो क्या करूंगा, फिर से कॉमा दूंगा और फिर क्या करूंगा, 12वां है, 15 से बोला ना, 15, ये माइनस का साइन देना या डैश कर लो, इसे जो कर लो आप, माइनस का साइन देना, फिर कर देना आखिरी पेज 24, ठीक। अब इसका क्या मतलब है कि 10वां प्रिंट करो, 12वां प्रिंट करो और फिर 15 से लेकर 24 तक, ठीक है। आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो यार। चलिए हो गया प्रिंट, देखते हैं कितना सच्चाई है इस बात में। 10वां है, 12वां है, 15वां है, आप 16, 17, 18 पूरा होगा 24 तक, ये देखिए है ना। तो ये ऐसा प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि 24 नंबर पन्ना प्रिंट हो और 20 नंबर प्रिंट हो, क्या करना चाहिए बताइए जरा। 24 प्रिंट करना चाहता हूं और 20 प्रिंट करना चाहता हूं, 24, 20, 20, 24। क्यों मैं 24, 20 करूंगा तो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि 24 और 20 निकले, होगा नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ना। क्यों नहीं होना चाहिए जी, हमारा मर्जी, हमारे मन से कंप्यूटर को काम करना चाहिए। क्या कह रहे हो, ये देख लो, 24 पहले प्रिंट किया फिर 20 कर दिया, कैसे प्रिंट करो, प्रिंट वा हो ही जाएगा, काम चलिए जाएगा। लेकिन ये आड़े टेढ़े सवाल वाइवा में लोग पूछ लेते हैं कि जी 20 को पहले ना करके मैं बाद में प्रिंट करूंगा तो प्रिंट होगा या नहीं। ठीक है, तो बोलना सब कुछ होगा सर, आपका कैपेसिटी देख लीजिए, आपको क्या करने का क्षमता है। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, होने दो यार, चार्ज में लगा के करेंगे, ठीक है। जब वार्निंग देगा कि हाँ जी हम अब चल गए तो फिर लगाएंगे चार्ज में, अभी तो चल रहा है ना। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, ऑल पेज, करंट पेज, पेजेस। अब आते हैं कॉपी। अब नंबर ऑफ कॉपी का क्या मतलब, मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं तो पहले बंद कर देता हूं, ठीक है, नो, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है जो ये है, ठीक है, इसका 10 कॉपी निकल जाए, ठीक है। तो क्या करूंगा, बहुत आसान है, 10 यहाँ पे लिख के मार दूंगा ओके पे, प्रिंट हो जाएगा 10 कॉपी, ठीक। ये तो बड़ा आसान है जी, ठीक है। क्या चीज, नहीं नहीं देखिए ये पेजेस है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ कॉपी है, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है कि ये जो कॉपी है ना, प्रिंटिंग तो करना है लेकिन कितना कॉपी प्रिंट करना है, ठीक, उसका नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप जो देते हैं ना 24-25, वो ये देते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो 24वां नंबर पेज है, हाँ, जैसे मान लीजिए 24वां प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 24 लिखा लेकिन इसका मेरे को कितना चाहिए, 10 कॉपी, यहाँ पे 10 कॉपी लिख दिया, ठीक है, यही था ना, हो जाएगा। यार मैं भूल गया था, अब याद आया कि 20 से लेकर के 12 को भी कर दूँ, ठीक है। अब क्या मतलब, 24 भी प्रिंट होगा, 20 भी प्रिंट होगा, 12 भी प्रिंट होगा, लेकिन कितना कॉपी, यहाँ पे बता रखा है मैंने कि 10 कॉपी करो, तो 10 कॉपी कर देगा, ठीक। कोई इसमें डाउट नहीं है, बहुत अच्छा, आप तो लोग तो ज्ञानी आदमी है जी, जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। अब एक ऑप्शन और है यहाँ पे, ठीक, क्या ऑप्शन है, कलेक्ट का, ठीक है। तो कलेक्ट का क्या काम है, ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसा आइकन दिख रहा है आपको, काम आइकन वैसा ही है कलेक्ट का, ठीक है।
जैसे मान लीजिए आप कि जो पेज नंबर वन है वो आपका दसवीं का मार्कशीट है, ठीक। पेज नंबर जो दो है वो बारहवीं का मार्कशीट है, और जो पेज नंबर थर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो आधार कार्ड है, ठीक। मान लिया आपने, मान लिया ना, नहीं माने? हाँ ठीक है, मान लो। अब क्या करना है आपको, इसका दो कॉपी आपको प्रिंट करना है। यहाँ पे लिख दिया दो, ठीक है, इस वाले को ध्यान नहीं देना अभी, ठीक है। अब दो यहाँ पे डाल दिया नंबर, ठीक है, दो कॉपी प्रिंट करना है, तो एक कॉपी ये है, एक कॉपी ये है, ठीक। एक कॉपी जो है आपको जमा करना है कॉलेज में, ठीक, और एक कॉपी जमा करना है कंप्यूटर सेंटर में, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं। अब आगे का कहानी ये है कि अगर कलेक्ट पे बिना क्लिक किए और आप प्रिंट करते हैं तब क्या होगा, पहले दो कॉपी दसवीं का निकलेगा, दो तो दिख रहा है ना, एक एक माने दसवीं का दो कॉपी निकलेगा, उसके बाद बारहवीं का दो कॉपी निकलेगा, उसके बाद आधार कार्ड का दो कॉपी निकलेगा, ठीक। बारी बारी से एक एक डॉक्यूमेंट्स आपका दो दो कॉपी निकाल के दे देगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक कॉपी दसवीं बारहवीं आधार कार्ड अलग निकाल के रखेंगे और फिर एक एक कॉपी अलग अलग करेंगे और स्टेपल मारेंगे, ठीक, यही करेंगे ना। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब कलेक्ट पे क्लिक कर क्लिक नहीं किया रहेगा, ठीक। लेकिन कलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पहले एक कॉपी दसवीं का निकालेगा, फिर एक कॉपी बारहवीं का निकालेगा, फिर एक कॉपी आधार कार्ड का निकालेगा, ठीक है। एक एक कॉपी पहले निकालेगा, मतलब एक सेट पहले निकाल देगा, फिर उसके बाद दूसरा कॉपी निकालेगा तो इस पे आएगा, फिर एक सेट निकाल देगा। तो अब क्या होगा, आपको अपने से सेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक। एक कॉपी जब निकालेगा, एक सेट, एक कॉपी नहीं, एक सेट जब निकाल देगा, ठीक है, दसवीं बारहवीं आधार कार्ड तो आप स्टेपल कर देंगे, फिर एक कॉपी जब निकालेगा तो फिर उसको स्टेपल कर देंगे, मतलब आपको सेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक, अपने आप सेट हो जाएगा। लेकिन कब, जब कलेक्ट पे क्लिक होगा तब। कलेक्ट पे अगर आप क्लिक नहीं किए हैं तो फिर मनमन्ना निकाल देगा फिर, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट होगा तो आप बाद में कभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और बता देता हूँ आपको, ठीक है, जैसे आप कभी किताब जैसा प्रिंट करना चाह रहे हैं, बुक्स, ठीक है, बुक्स प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। बुक्स प्रिंटिंग में और इस प्रिंटिंग में क्या अंतर है जी, अंतर तो कुछ नहीं है, बस छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है कि दोनों साइड प्रिंटिंग होता है किताब, ठीक है। मान लो जी हम थोड़े से कंजूस आदमी हैं, पन्ना बर्बाद नहीं करना चाहते, क्या करेंगे, दोनों साइड पन्ने का प्रिंट कर देंगे, ठीक। तो क्या एक कॉपी प्रिंट करूंगा, फिर उसको पलट के डालूंगा, फिर एक ठो निकलेगा एक पन्ना, फिर दूसरा डालूंगा, फिर पलट के डालूंगा, फिर दो कॉपी निकलेगा, ऐसे सेट करूंगा, मतलब क्या होगा, एक एक पन्ना प्रिंट करने पड़ेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई, पलट एक एक पन्ना पलट पलट के प्रिंट करना पड़ेगा, तो ऐसे करने में हमारा पूरा समय बीत जाएगा, जितना का बचत नहीं करेंगे उतना हमारे जेब से चला जाएगा समय, ठीक। तो क्या करने का, एक इसका सॉल्यूशन निकालने का, ठीक है। क्या सॉल्यूशन निकालने का, कि एक बार एक साइड पूरा प्रिंट कर दो, फिर क्या करेंगे, फिर एक साइड जब पूरा प्रिंट हो जाएगा, जैसे 100 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो एक साइड 50 पन्ना प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, एक ही बार में, फिर उस पन्ने को पलट करके 50 पन्ना एक बार डाल देंगे, दूसरे साइड पूरा 50 निकल जाएगा, 50 50 100 निकल गया एक दोनों साइड, ठीक। लेकिन ऐसा प्रिंट कैसे करेंगे, बहुत आसान है जी, ऐसे यहां पे अगर सिलेक्टेड है ऑल पेज इन रेंज तो सारा पन्ना प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन ऑड पेज पे अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वही पेज नंबर प्रिंट होगा जिसका ऑड नंबर है, ठीक, जैसे ऑड नंबर 1 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 5 के बाद 7 होगा, उसके बाद बाकी बाकी जो भी ऑड नंबर जितना है, जो विषम संख्या का है पेज नंबर, ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है, जो विषम संख्या उन सबको प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जो सम संख्या है इवन पेज नंबर है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हमको किताब जैसा प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला पन्ना प्रिंट करेंगे पहला बार में ना, तो पहला में 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर
दूसरे